हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे क्या दिया है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें बताना है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे। तो पहला हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव। ये हमें डायग्राम दी है। अगर ए और बी लाइन पैरेलल है तो एंगल वन और एंगल फाइव जो है ये कैसे हैं, इक्वल टू बताने हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हम समझ सकेंगे, तो देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हैं और उसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है उन दोनों लाइंस को, तो उसके कारण दो एंगल्स जो बनेंगे दोनों लाइंस के ऊपर जहाँ वो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये 1 और 5 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी आएगी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 और एंगल 6 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब आपको बता दूं कि 4 और 6 दोनों कहाँ हैं, एक तो इंटीरियर में आ रहे हैं, दोनों लाइन के अंदर की तरफ हैं, राइट, और दूसरा एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, मतलब एक इधर की साइड है ट्रांसवर्सल के तो दूसरा दूसरी साइड है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि अल्टरनेट है इंटीरियर में है, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट हमें दिया है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 दोनों कितने हैं, उनकी सम कितनी होगी, 180 डिग्री, तो वो लाइंस जो हैं और भी दोनों पैरेलल होंगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो एंगल सेम साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल के वो हमेशा लीनियर परफॉर्म करते हैं या सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ओके, तो क्या हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट। मतलब ये क्या है, एक तो दोनों के दोनों इंटीरियर में हैं, उसके बाद सेम साइड में है, एक ही साइड में है दोनों एंगल्स, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे, मतलब 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, इसलिए ए और बी हमारी क्या है, पैरेलल है। इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना था, ये प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड। इसका क्वेश्चन सेकेंड में क्या दिया है, हमें एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है और इस फिगर के थ्रू हमें गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है जैसे हमें कही गई हैं, राइट। तो पहले हमें क्या दिया, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे ऊपर लाइन के ऊपर अगर ये है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो जैसे ये 4 की बात कर रहे हैं तो इस लाइन में भी जो ऊपर की तरफ होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, राइट। मतलब 4 और 8, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 हमने लिख दिया। नेक्स्ट में आएगा एंगल 2, कॉमा एंगल 6, यहाँ कॉमा देंगे। देन हमारा थर्ड में आएगा एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7, और फोर्थ में आएगा एंगल 4, एंगल 8, राइट। ये हमारी पेयर बन गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, मतलब क्या है, ऊपर तो दोनों लाइन के ऊपर वाले, नीचे तो दोनों लाइन के नीचे वाले, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनेगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था अल्टरनेट मतलब अपोजिट में हो, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के अंदर हो। तो यहाँ क्या होगा, अल्टरनेट में 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट साइड में है और इंटीरियर में भी है, तो एंगल 3 एंगल 5 एक पेयर बन गई, एंगल 2 और एंगल 8 एक बन गई, एंगल 2 एंगल 8 हमारी दूसरी पेयर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब क्या बोला है, इंटीरियर एंगल्स की पेयर बनानी है जो सेम साइड में हो,
एक ही साइड में हो, जैसे इंटीरियर में तो ये चार एंगल्स आ रहे हैं, उसके बाद में ट्रांसवर्सल की एक साइड में ये दोनों है, ट्रांसवर्सल की एक साइड में ये दोनों है, मतलब 3 और 8 की पैर आएगी, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 5, इस तरह से हमारी पैर बन जाएगी 2 और 5 की, 3 और 8 की, क्योंकि हमें सेम साइड में बोला है ट्रांसवर्सल के, इसलिए हम एक साइड के दोनों की पैर बना रहे हैं और अगली साइड के दोनों की पैर बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, बहुत ही आसान है कि दो लाइंस जहाँ कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो यहाँ भी ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, यहाँ भी ये दोनों और ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 एक पैर है, एंगल 2 एंगल 4 दूसरी पैर है, एंगल 5 एंगल 7 तीसरी पैर है, एंगल 8 एंगल 6 एंगल 8 हमारी दूसरी पैर होगी, राइट, मतलब चौथी पैर होगी। तो इस तरह से हमने पैर्स बना दी, देखिए 1 और 3, 4 और 2 ये दो पैर्स बनी, 5 और 7, 8 और 6 हमारी चार पैर हो गई कंप्लीट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की चार पैर हमारे इस गिवन डायग्राम में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 5.2 का हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।